मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेश के 2000 बाल श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश का श्रम विभाग अब उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के साथ बाल श्रम से मुक्त कराएगा और साथ ही उनके कौशल को विकसित करने के लिए यूपी आगे कदम उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। बाल श्रमिकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराएगी योगी सरकार। पढ़ाई के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 18 मंडलों में खुलेंगे 18 आवासीय विद्यालय। लड़कों को 1000, लड़कियों को 1200 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 6000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि की अलग अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। यह 2000 बच्चों के लिए एक साथ प्रारंभ की जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि अगले वर्ष तक हम लोग अटल आवासीय विद्यालयों को लेकर के आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। इस योजना में कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है जिसका लाभ 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन कामकाजी बच्चों और किशोर किशोरियों को दिया जाएगा जो परिवार की विषम परिस्थितियों के कारण संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। योजना के तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण करने तक बालकों को 1000 और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा 8, 9 व 10 पास करने पर उन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। शुरुआत में इस योजना का लाभ प्रदेश के 2000 बच्चों को दिया गया है। इस कार्यक्रम में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी भी मौजूद थे। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 2000 बाल श्रमिकों को श्रम विभाग न सिर्फ शिक्षा दिलाएगा बल्कि उनको बाल श्रम से भी मुक्त कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाल श्रमिकों के लिए बेहद महान दिन है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर हमने एक संकल्प लिया है, प्रदेश सरकार बड़ा अभियान चलाकर गरीबों या फिर किसी अन्य कारण से बाल श्रम को मजबूर बच्चों को इससे मुक्ति दिलाएगी। अटल आवासीय विद्यालय निर्माण की एक बड़ी कार्रवाई को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। पहले चरण में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय हम प्रदेश के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं, यानी 18 कमिश्नरी हैं। 18 कमिश्नरी मुख्यालय पर 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में ये विद्यालय बनेंगे जहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहेगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त ये सभी विद्यालय जहाँ अत्याधुनिक शिक्षा देंगे, वहीं अगर किसी बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ कार्य होगा। देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी एक काफी बड़ा समूह है जिसमें बच्चे बेहद मजबूरी में बाल श्रम करते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयास है ऐसे बच्चों को कठिन परिस्थिति से बाहर निकालकर बाल श्रम मुक्ति अभियान के तहत उन बच्चों का कौशल विकसित करने के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर यूपी आगे कदम बढ़ा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री का